हेलो, वेलकम टू करियर अपॉर्चुनिटीज। आज फिर से हम आपके लिए आपके कहने पर नया वीडियो लेकर आए हैं। यह टॉपिक पटवारी के एग्जाम का सब्जेक्ट है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। हम आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन फिलहाल नहीं करा सकते, ना ही आपको सारे नोट्स दे सकते हैं, बट एग्जाम में जो बेसिक प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को आती है या आपकी स्टडीज में कोई प्रॉब्लम है तो उनको इजी बनाने में आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। तो किसी भी एग्जाम के लिए यह इम्पोर्टेंट नहीं होता कि कितना पढ़ना है, बल्कि यह ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कितना छोड़ना है। तो उसमें हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, तो कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले पटवारी होते क्या हैं? पटवारी की पोस्ट पर जो व्यक्ति सेलेक्ट होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। इसे सरकारी भाषा में खसरा कहा जाता है, जिसके अंदर जमीन से रिलेटेड सारी बातें होती हैं कि फसल किसके नाम पर है, इस जमीन से कितनी फसल उगाई गई है, कौन कौन सी फसल उगाई गई है या इसका क्षेत्रफल कितना है, इस जमीन के अभी तक जितने भी मालिक हुए हैं सबके नाम ईयर वाइज। तो पटवारी का बेसिक काम जमीन की सारी इन्फॉर्मेशन रखना है। अब जैसे कि सभी को पता है, गवर्नमेंट सभी चीजों को ऑनलाइन कर रही है, तो पटवारी के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने फसल गिरदावरी ऐप बनाया है, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन एक एप्लीकेशन में होगी। व्यापम की साइट पर पटवारी का कोई क्लियर सिलेबस नहीं दिया है, बट हमने पुराने क्वेश्चंस को देखकर सब्जेक्ट की डिटेल के हिसाब से टॉपिक्स को डिफाइन किया है। चाहे तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसमें पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखते हैं। इसमें पहले मध्य प्रदेश के विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भूमिका और अनुपात, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कृषि से होने वाले लाभ, लाभ के क्षेत्र और राजस्व। थर्ड है राज्य की राजस्व व्यवस्था, राज्य में पैसा कहाँ से आता है, कितना कहाँ से टैक्स आता है इसके बारे में। फोर्थ है भू अभिलेख राजस्व की जानकारी। जैसा कि आपको पता है कि पटवारी की परीक्षा भू अभिलेख राजस्व शाखा के अंतर्गत आती है, तो इसमें राजस्व का आवंटन किस प्रकार से होता है। इसके बाद पटवारी की भूमिका और कार्य, राजस्व का निर्धारण राज्य में किस बेस पर होता है, इसमें वित्त आयोग से रिलेटेड सारी बातें आ जाती हैं। इसके बाद कृषि व भूमि के प्रकार, इसके लिए एक एग्जांपल है सोयाबीन, अलसी, अफीम और दलहन का उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश की 43% भूमि कृषि योग्य है। रतलाम में अंगूर की खेती की जाती है। ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से देखें जो फसलों से और मध्य प्रदेश की खेती से रिलेटेड। इसके बाद कृषि आधारित उद्योग एमपी में, जैसे चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने का उद्योग, कृषि से संबंधित योजनाएं, कृषि का विकास, जैसे कृषि विकास दर 10.6% है, तो गवर्नमेंट और क्या क्या कर रही है खेती को बढ़ावा देने के लिए। फसलों से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे फसलों में लगने वाले रोग, अब जैसे फसल में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, तो फसलों में जिप्सम का प्रयोग करके खारेपन और क्षारीयता का समाधान हो सकता है, यह एसिड का पीएच मान को बैलेंस करता है। इसके बाद मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो अल्फा अल्फा सर्प हैम घास के प्रयोग से मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसके बाद फसल क्रांतियों के बारे में पढ़ें, जैसे हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, पीली क्रांति, इससे संबंधित इनके जनक कौन कौन है, कौन से ईयर में चालू की गई थी। जैसे हरित क्रांति 1966 और 67, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत चालू की गई थी, कि जनक नॉर्मन मोरलॉन थे और भारत में स्वामीनाथन थे, इससे गेहूं और चावल को बढ़ावा मिला। ऐसे ही सारी क्रांतियों के बारे में डिटेल में पढ़ें। इसके बाद कृषि की न्यू टेक्नोलॉजी, जिससे सरल और ज्यादा पैदावार हो रही हो, जैसे एमपी में नाइट्रोजन कृत उर्वरक का यूज किया जाता है, कृषि लोन के बारे में, कृषि बीमा, केवाईसी कार्ड। नेक्स्ट भू राजस्व कार्यालय के कार्य के बाद खेती में सिंचाई की व्यवस्था हेक्टेयर के हिसाब से, सहकारी खेती, आपदाओं से संबंधित योजनाएं। के बाद एमपी में कृषि अनुसंधान केंद्र के बारे में, यहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट कंप्लीट होता है, तो इन टॉपिक्स को कवर करें, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा।
इसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था। यह प्रजातंत्र की विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसका उद्देश्य पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर छोटे छोटे सदस्यों तक पहुंचाना है। जैसे गांव तक कुछ योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी, जिससे ग्रामवासियों को प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ नहीं होता था। इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कई समितियां बनाई गईं, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान रखा। इस टॉपिक में सबसे पहले पंचायती राज का इतिहास पढ़ें कि पहली रिपोर्ट बलवंत राय मेहता समिति की थी, सेकंड अशोक राय मेहता समिति की रिपोर्ट थी। इसके इतिहास को पूरा अच्छे से पढ़ें। इसके बाद पंचायती राज का संवैधानिक प्रावधान, जो भी देश में होता है वह संविधान में लिखा हुआ है। पंचायती राज होगा तो यह भी संविधान में लिखा है। पंचायती राज्य राज्य का विषय है, यह अनुसूची 5 में लिखा है। धारा 42 में पंचायत के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन करेगा, यह भी प्रावधान है। तो पंचायती राज से रिलेटेड 8 से 9 धाराएं हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लें। इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान, SC/ST के रिजर्वेशन का प्रावधान, वुमेन्स के रिजर्वेशन का प्रावधान, पंचायती राज के चुनाव की व्यवस्था, इन्हें अच्छे से याद करें। धाराओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की स्थापना, ग्राम में क्या क्या व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना कैसे की जाती है, कौन कौन सदस्य होते हैं। इसके बाद 73वां पंचायती राज्य का संविधान संशोधन कब हुआ था, किसने किया था, इसके बारे में सारी डिटेल। इसके बाद पंचायतों में आरक्षण, ST/SC और वुमेन से रिलेटेड। इसके बाद ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। जनपद पंचायत 50,000 से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र में चुनी जाती है। इसके सदस्यों के चुनाव की पूरी प्रोसेस पढ़ें। इसके बाद जिला पंचायत 50,000 से ज्यादा की जनसंख्या वाले क्षेत्र में होता है, इसकी चुनाव की प्रक्रिया। इसके बाद राइट टू रिकॉल का एक्ट, मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जिसने यह लागू किया था। पहली बार शहडोल के अनूपपुर जिले में इसका प्रयोग किया गया था। इसे डिटेल में पढ़ें। उम्मीदवारों की योग्यताएं, पंचायतों की बैठक प्रक्रिया, पंचायतों का कार्यकाल, सरपंच के कार्य अवधि, योग्यताएं, आयु, नगरपालिका परिषद और नगर निगम, पंचायत के कार्य, नगरीय निकाय, ग्राम स्वराज्य 26 जनवरी 2001 को लागू किया गया था। के बाद पंचायती राज की संरचना, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, चतुर्स्तरीय, चुनाव की प्रक्रिया को अच्छे से समझें, उन्हें डिटेल में। इससे आपको सारे टॉपिक्स को पढ़ने की प्रोसेस तो समझ आ गई होगी। सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ें, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा समझेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। यह टॉपिक आपको पॉलिटिकल साइंस की बुक में मिल जाएगा, और आपके किसी फ्रेंड के पास PSC के नोट्स हैं या पॉलिटिकल साइंस की कोई बुक है या M. लक्ष्मीकांत की बुक में भी आपको पंचायती राज का टॉपिक मिल जाएगा। और लास्ट में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे बुक से पढ़ें, क्योंकि सिलेक्शन आखिरी के कुछ नंबर पर ही होता है। फाइनली यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल बटन को क्लिक करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और आप वीडियोस में क्या चेंजेस चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।